हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चैनल में नए हो तो हमेशा की तरह कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे आप नए आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो YT रश्मिना इंस्टा आईडी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो टाइटल है थंबनेल देख के आज आप समझ ही गए हैं कि आज मैं आपके साथ अपना हैंडबैग कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं, खुद से सिलाई की है। और एक अच्छा खासा बजट अगर आप देखना चाहते हो कि आप अपने अर्निंग कर सको, तो आप इस तरह के आइडिया मीन्स ले सकते हो। अपने आप अपने हिसाब से नए नए बैग्स बना सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने जितने भी बैग्स बनाए हैं सब सेल के लिए है, कुछ सेल के लिए मुझे देना या जाना है। तो मैंने सोचा कि जो कस्टमर आ चुके हैं तो उनको देने से पहले कि आपके साथ इन बैग्स को मैं शेयर कर दूँ। तो बजट के अकॉर्डिंग है और जितना भी बैग मैंने बनाया है, मेरे पास ऐसा जो कपड़े थे जो हम वेस्ट कपड़े रख देते हैं, यूज़ में नहीं होते, ये उन्हीं से बनाया हुआ है। और बहुत ही बजट में आपको ये बैग तैयार कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। पहले मैं नहीं सिलती थी लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मेरा जो अच्छा खासा अर्निंग का एक आइडिया है वो अच्छे से मुझे मीन्स अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप भी कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो अपने हाथों से बैग बना के सेल आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो वीडियो है हाउसवाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप कहीं जाके जॉब नहीं कर सकते हो तो आप इस तरह से बैग बनाइए और सेल कीजिए। तो चलिए मैं वन बाय वन दिखाना चालू करती हूँ कि मैंने किस तरह से बैग बनाए हैं। और जो मेरा फर्स्ट बैग है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका पर्सनल अलग से वीडियो मैंने शेयर किया है, आप लोग को काफ़ी पसंद भी आया था। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ दिखाना। तो ये मेरा थर्ड बैग है जो मैंने बनाया था और ये काफ़ी बड़ा बैग है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसे मैंने सूट का जो पैचवर्क होता है इससे लगा के ये बैग को बनाया है। कपड़े से ही इसका हैंडल मैंने बनाया, पकड़ने वाला, और दोनों साइड मैंने इस तरह से इस पैचवर्क लगाया है। इसमें मैंने चेन अटैच की हुई है। आपके पास चेन का बजट नहीं है तो आप आगे मैं दिखाऊंगी क्या यूज़ कर सकते हो। ये चेन मैंने लगाई है, काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस आपको मिल जाएगा और काफ़ी बड़ा साइज़ का ये बैग है, आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। देन मैंने थर्ड जो मेरा फोर्थ बैग है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो ये है। ये कुछ इस तरह का कलर है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, फिरोजी कलर है। और मैंने इसमें दो जेब दिया हुआ है, फ्रंट में भी लगाया है मैंने। ये कुछ इस तरह से है फ्रंट में और ये एक इस तरह से हो जाता है। अंदर जो मैंने मटेरियल लगाया है वो जो आपका वेस्ट अस्तर वगैरह होता है जो आप यूज़ नहीं करना चाहते उसे लगा सकते हो। इसके साथ मैंने एक छोटा सा बैग लगाया है, मीन्स बनाया है वेब प्रो लगा के। तो इस तरह से एक्स्ट्रा बैग आप बना के दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो, कि इसका अलग से ही है, इसमें डाला हुआ है मैंने। देन मेरा ये बैग है और ये जितने भी बैग जिनमें मैंने फॉर्म लगाया हुआ है, लेकिन ये विदाउट फॉर्म बनाया है मैंने। इसके अंदर टिश्यू बैग मैंने लगाया है जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इसमें मैंने साड़ी का जो ब्लाउज पीस होता है ना, जो आजकल की साड़ियों के ब्लाउज पीस काम के नहीं होते, तो ये इससे बनाया साड़ी का ये बॉर्डर मैंने यूज़ किया है। और अंदर कुछ इस तरह से इसी को लगाया मैंने, अपने सूट के कपड़े को लगाया था। और इसमें मैंने एक जेब ये लगाया है और इसमें तीन जेब मैंने लगाई हुई है। तो ये हो गया। देन अब मैं आपको पार्टी वेयर बैग्स अपने कलेक्शन के, जो मेरे पार्टी वेयर बैग्स हैं मेरे कलेक्शन में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है ये ब्लैक कलर का और ये बहुत सुंदर बना है, ये काफ़ी लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोग इसे मांग रहे हैं। तो देखते हैं किसको मैं देखती हूँ, सेल हो चुका है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। इसमें मैंने लेस लगाई है और ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसमें मैंने बहुत बड़ा बैग बनाया है। ये आप इसमें काफ़ी कुछ रख सकते हो और अंदर देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस है। तो इसमें मेरे जो सिलाई है वो मैंने काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग देते हुए बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। साइड में मैं सभी बैग की कोशिश करूँगी आपको वीडियो बना मीन्स लगा दूँ, जिससे आप को आइडिया हो जाएगा कि आप जब इसे कैरी करोगे तो कैसा दे लुक देगा। देन इसी का मैंने छोटू सा बैग बनाया है कि अगर किसी को बड़ा बैग ना मिल जाए, फस नहीं मिल पाए, तो मैं छोटा साइज मैंने इसका बनाया है। ये छोटू सा बनाया है, इसमें भी मैंने चेन लगाया हुआ है, छोटा सा इसमें स्पेस है। तो आप इजीली इसमें अपना मोबाइल, पैसे और दो तीन चीज़ें और इजीली कैरी कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है ये लेने में। तो ये इसी का छोटा साइज़ है, ये देखो, अलग अलग मैंने इसको बनाया है। देन मैं आपको दिखाती हूँ सेम अलग जो मैंने फर्स्ट बैग आपको दिखाया उसी के जैसे पैच वर्क मैंने इसमें लगाया, ग्रीन कलर का और गोल्डन कलर का।
ये बैग मैंने बनाया है और इसमें कुछ इस तरह से मैंने अंदर इस तरह से कपड़ा लगाया हुआ है। तो आप लोग को मेरा आइडिया कैसा लगा वो बताना। और ये देखो इसका हैंडल कुछ इस तरह से बनाया। तो सभी को मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। देन ये बैग बनाया, इसमें भी मैंने लेस लगाया हुआ है और इसमें भी चेन लगाया है मैंने। ये देखो अंदर कुछ इस तरह से है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ ये बहुत नॉर्मल साइज का बैग है और ये बैग साइज से कुछ ऐसा है। देन इसी के कलर का ये जो कपड़ा है इसी में मैंने ये ग्रीन बनाया है। सेम कपड़ा बस कलर अलग अलग है और इसमें सिर्फ एक ही हैंडल मैंने लगाया पकड़ने के लिए और इसके अंदर मैंने चेन नहीं लगाया, वेलक्रो लगा ये लगाया हुआ है। तो अगर आपके पास चेन नहीं था आप इस तरह से बैग को बना सकते हो। इसमें मैंने लेस लगाया जैसे मैंने इस बैग में लगाया था। देन मैंने छोटे बैग बनाए हैं दो, तीन छोटे बैग तो मैंने तीन बनाए, एक मैंने आपको ये दिखाया और एक ये कुछ इस तरह से साइड पाउच आप कह लीजिए। इसमें मैंने सामने भी जिप लगाई हुई है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसमें जगह है, जिप लगाई हुई है और लेस लगाई है और यहाँ पर मैंने एक जिप लगाई है। ये देखो ये सभी बैग मैंने खुद बनाए हैं और मैंने कुछ बैग्स के आपके साथ वीडियो भी शेयर किए। देन लास्ट है लेकिन सबसे सुंदर बैग मेरा ये है जो पैच वर्क आते हैं ब्लाउजेस के लिए, ये उससे बनाया है मैंने और इसमें मैंने सिंगल ही चेन लगाया है। ये देखिए इस तरह से कुछ है और मैंने इसमें कुछ ऐसा बनाया है। तो आपको इन बैग्स में से कौन सा बैग अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं सभी बैग को इंस्टाग्राम में भी शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। तो ये सभी बैग मैंने सेल के लिए बनाए हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप इस तरह से बैग्स बनाइए और अपना एक छोटा सा बिजनेस बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मीन्स निकलती हूँ लेकिन अगर हम कुछ अर्निंग का सोचें तो हम नहीं कर पाते अगर बाहर जाके, तो हम इस तरह से अपना बैग वगैरह बना के अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सेल करने के लिए ही बनाया है, कुछ सेल आउट भी हो गया इनमें से, और भी मैंने बनाए थे लेकिन वो सेल आउट हो चुके हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और इतने बैग मैंने सिर्फ 1 वीक में बना के कंप्लीट किए हैं। डेली मैं 2 बैग बनाती थी। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का जो मेरा हैंड बैग का कलेक्शन है जो मैंने खुद से बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। इनमें से कौन सा बैग आपको पसंद आया और आगे मैं और बैग जो बनाने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो और भी मैं बहुत कुछ बना रही हूँ तो धीरे धीरे सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरा हैंड बैग का, टोटो बैग का और सीलिंग बैग का जो भी आप कह लो इन बैग्स को, उनका कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन और राइटी रश्मि डायरी तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज़।